والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. ماذا يا رسول الله؟ ماذا يا سادة أصحاب رسول الله؟ ماذا يا مشايخنا الدستور؟ ولا إن شاء الله بإذن الله شيخ محمد معنا قال ماذا؟ فريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين. الله عز وجل अरहमुर राहिमीन है। उसने हमें अजियत देने के लिए नहीं बनाया बल्कि रहमत दिखाने के लिए। लेकिन लोगों को रहमत और हमदर्दी नहीं चाहिए। वो ना ही किसी को रहम और ना ही हमदर्दी दिखाते हैं दूसरों को, और अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला भी उन्हें वही देता है जिसके वो हकदार हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला लोगों को खूबसूरती की और अच्छाई की दावत देता है। वो उनके लिए ये चाहता है, लेकिन लोग अपनी नफ्स और शैतान की सुनते हैं तो उनके पास कोई हमदर्दी या अच्छाई नहीं होती, उनके पास सिर्फ बुराई होती है। इसलिए जो भी अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला करता है वो लोगों के लिए अच्छा है, और अगर लोग रास्ते पर चलेंगे तो वो हमदर्दी भी होगी उनके पास, खूबसूरती भी और अच्छाई भी। लेकिन जब वो अपनी नफ्स की सुनेंगे तो उनके पास लालच होगा, उनके पास दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं होगी और वो सिर्फ खुद के लिए सोचेंगे। जब वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तब वो दूसरों के हक मारते हैं। जब वो दूसरों के हक मारते हैं तो फिर कोई हमदर्दी नहीं बचती उनमें। अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला ने हर चीज को हिसाब किताब से बनाया है। जो भी अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला करता है वो लोगों के फायदे के लिए है। हमें ये जानना चाहिए, बिल्कुल जानना एक चीज है और उस पर अमल करना दूसरी, और फिर उसके अलावा मना करना है। सबसे बड़ी बुराई जो लोग अभी करते हैं वो है इनकार करना, ये कहना कि हर चीज हमने की है और इस चीज से इनकार करना कि ये अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला की तरफ से है। अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला की लोगों के तरफ हमदर्दी से इनकार करना, और उसको इनकार करने का मतलब है जुल्म करना। किस पर जुल्म करना? उन पे, खुद पे जुल्म करना। अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा अच्छाई करें। अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला कहता है वफ़अलु खैरा, अच्छाई करें। जब आप अच्छाई करते हैं तो आपका आखिर अच्छा होगा और कामयाब होगा। वफ़अलु खैरुल लकुम तुफ्लिहून, फलाह मतलब अच्छा आखिर। ये सबसे अच्छी चीज़ करना है और ये अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला को राज़ी करता है। हमारा मकसद है अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला की रज़ा। जो भी इसको पा लेता है वो अपनी दुनिया और आखरत दोनों पा लेता है। जो इसको खो देता है, चाहे वो दुनिया पा भी ले, वो उसके लिए बेकार है, क्योंकि वो आखिर में आखरत में सब कुछ खो देगा। अल्लाह हम सबको ये खूबसूरत नसीहत सुनने की तौफीक अदा फरमाए। उसकी हमदर्दी और उसका रहम अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला का हम पर हो इंशाअल्लाह।